हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो जुड़ जाइए दोस्तों आप सभी, तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों देहरादून स्टडी पॉइंट पे, और मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो यहां पे आज हम जो बात कर रहे हैं वह है फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम की तैयारी, और उसके लिए दोस्तों जो हमारी क्लासेस चल रही है, आज जो हमारे यहाँ पे पार्ट है यह है हिंदी का पेपर सॉल्यूशन, जो ग्राम विकास अधिकारी में आपको पूछा गया था। क्वेश्चंस तो 20 होंगे, लेकिन इन 20 क्वेश्चन से दोस्तों हम आपको लगभग 100 या फिर 150 जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है या क्वेश्चन है वह प्रोवाइड करवाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस पेपर को एनालिसिस करना है, समझना है, और समझोगे दोस्तों आप यहाँ पे कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आपको यूपीएससी पूछता है, और आपको किस हिसाब से आपको अपनी अब की तैयारी करनी है आने वाले आपके एग्जाम के लिए। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली क्लास से, और पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि परिमिति का आशय क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें तो आपको शब्द पूछा है और इसका अर्थ आपको बताना है, और यूपीएससी ने दोनों तीनों शिफ्ट में हाल ही में जो एग्जाम हुए थे वहां पे इस प्रकार के शब्द पूछे थे, दो तीन शब्द पूछ दिए और उनका अर्थ पूछा था। तो यानी जो शब्द है, इंपॉर्टेंट शब्द है यूपीएससी, उस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको पूछ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी ध्यान रखना, जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए, परिमिति का आपसे पूछा है, तो परिमिति का मतलब क्या होगा? अल्प बुद्धि की व्यापकता, मर्यादा, या फिर सूक्ष्म। तो क्या इसका सही होगा? तो बता सकते हैं दोस्तों परिमिति किसे कहते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, परिमिति जो कहते हैं वह कहते हैं बुद्धि की व्यापकता, यानी जो बुद्धि की व्यापकता होती है उसे परिमिति कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि सिफारिश किस भाषा का शब्द है। अब देखिए दोस्तों, हर बार कहते हैं, हमने जितनी भी आपको क्लासेस दी थी 10-12 क्लासेस उत्तराखंड जो क्रेश कोर्स की चल रही है हिंदी की, तो हमने आपको बताया था कि जो विदेशी भाषा के जो शब्द होते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में आपको पूछा ही पूछा जाता है, तो उन्हें आपको याद करना है। और यहाँ पे आपको पूछा है कि सिफारिश किस भाषा का शब्द है। तो देखिए दोस्तों, सिफारिश की बात करें तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिखाई दे रहा है, अरबी भाषा का, यह बिल्कुल सही है। और आपको अरबी भाषा के जो और भी शब्द हैं वो आपको याद करने हैं। देखिए दोस्तों, कौन कौन से शब्द हैं, कुछ शब्द हमने आपको करवाए थे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने जो आपको कुछ शब्द याद करवाए थे, अगर आपने पहली दूसरी क्लासेस ली होंगी हमारी तो याद हो गया होगा, जैसे इज्जत, आदमी, इमारत, इनाम, अजीब और अक्ल, बहुत बार रिपीट कर चुके होंगे, और जो बार बार देख रहे होंगे वो बोल रहे सर आप कितनी बार करवा रहे हो, हमें तो याद हो गया है। तो देखिए, याद हो गया है, अच्छी बात है, रिवीजन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको बार बार याद करवाऊंगा। इज्जत, आदमी, इमारत, इनाम, अजीब और अकल क्या है? अरबी भाषा के शब्द है। और इसे याद करने की हमने ट्रिक क्या बनाई थी कि अजीब आदत है आदमी की इज्जत, इनाम और इमारत अकल से नहीं चाहता। तो यह तो था अरबी भाषा के। फिर इसके अलावा हमने कुछ और भी शब्द आपके कराए थे कि अमीर, गरीब, वकील, शराब, मुकदमा, मानसून, तारीख, अदालत, मशहूर और अखबार, यह सभी शब्द भी अरबी भाषा के हैं। और इसे याद करने की दोस्तों हमने जो ट्रिक आपको बताई थी कि मशहूर नामा कोई वकील है, यानी मशहूर वकील है कोई जो अदालत में गया शराब पीकर गरीब का मुकदमा लड़ने के लिए, लेकिन जो वहां पे जज बैठा था वो अमीर था, और उसने अखबार पढ़ते हुए क्या दे दी, अगले मानसून की तारीख दे दी उसे। तो इस प्रकार से इन शब्दों को आप याद कर सकते हो। और फिर इसके अलावा दोस्तों बात करें कि हिम्मत, हौसला, कर्ज, तमाम, ख्याल, दुनिया, मजबूर और मुसाफिर, तो यह सभी शब्द भी किस भाषा के हैं? अरबी भाषा के हैं। और इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई थी कि हौसला, हिम्मत हो तो अरब देशों का तमाम कर्ज भी चुकता हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले खुद का ख्याल रखना होगा, दुनिया का तो क्या है, मुसाफिरों को मजबूर करती रहती है। तो खैर दोस्तों, यहाँ पे यह शब्द थे, आपको बार बार रिवाइज करना है अरबी भाषा के शब्द, अगली बार इनमें से कोई एक शब्द आपको पूछा जाएगा और एक नंबर आपका कन्फर्म फिर हो जाएगा। तो यहाँ तक तो ये हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे दोस्तों आपने आंसर देना है कि गोधूली कहते हैं। तो इस प्रकार का आपको आंसर देना है कि गोधूली किसे कहते हैं? तो गोधूली दोस्तों शाम के समय को कहते हैं, यानी जब शाम का वह समय जब पशु जो चरकर लौटते हैं तो उस समय को कहते हैं गोधूली। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों वह बिल्कुल सही है, शाम का वह समय जब पशु चरकर लौटते हैं उसे गोधूली कहते हैं। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग है? तो बता सकते हैं दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो उपसर्ग प्रत्यय भी आपको पूछा जाता है, तो यहाँ पे उपसर्ग पूछा है कि दो दो उपसर्ग किस में है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो प्रयोग दिखाई दे रहा है इसमें केवल प्रा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है और योग से बिना है, यानी प्रयोग ऐसा बना है, तो इसमें तो केवल एक ही उपसर्ग है। फिर आ जाइए यहाँ पे चिरकाल में, तो देखिए यहाँ पे केवल चिर उपसर्ग है, और अतिक्रमण की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे केवल अति उपसर्ग है, ओनली क्या है, अति उपसर्ग है, तो अति यहाँ पे उपसर्ग है, और फिर कर्मण क्या है, यहाँ पे शब्द है। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा है समालोचना, यह गलत है, यानी ये इसमें दो से ज्यादा उपसर्ग है, यानी इसमें दो उपसर्ग हैं। तो क्या क्या उपसर्ग हैं? तो देखिए दोस्तों, अगर इसके हम उपसर्ग की बात करें तो एक तो हुआ सबसे पहले सम उपसर्ग, यानी ये वाला उपसर्ग हो गया।
फिर सम के बाद इसमें जो दूसरा उपसर्ग है दोस्तों वह है आ उपसर्ग। क्या है? आ उपसर्ग। और फिर यहाँ पे जो मूल शब्द है वह है लोचना। तो सम धन आ धन लोचना, तो दो से ज्यादा उपसर्ग किसमें है? समालोचना में है। तो क्वेश्चन नंबर चार यह हो गया है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पांच पे कि यह विचार मेरे मन में अचानक आया कि इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है। तो देखिए दोस्तों, क्रिया विशेषण से यूकेएससी आपको पूछता है और हर एग्जाम में पूछता है, तो क्रिया विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है कि क्रिया विशेषण शब्द क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रकार के शब्द पहचानने के लिए तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्रिया फाइंड करनी पड़ती है, क्रिया को खोजना पड़ता है। तो यह विचार मेरे मन में अचानक आया, तो आना आना क्रिया हो गई। देखिए दोस्तों, आना क्रिया होगी। अब बात की गई है इसकी विशेषता, तो क्रिया की विशेषता यानी क्रिया विशेषण, तो आने की क्रिया क्या आई, कैसी आई? अचानक आई। तो बिल्कुल दोस्तों, यहां पे जो अचानक शब्द है ये क्या होगा? क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल सही है। अचानक क्या है? यह क्या है? क्रिया विशेषण है, विचार नहीं है, केवल क्या है? अचानक है। तो क्रिया विशेषण शब्द अचानक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पूछा है छह कि टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर जो ए है, दो प्रकार के, ये बिल्कुल सही है। बहुत स्टूडेंट तीन के पास गए थे, बहुत स्टूडेंट पांच के पास गए थे, यानी पांच के पास गए थे। तो क्योंकि इसकी किताब में अलग अलग आंसर मिलता है, लेकिन जो एनसीईआरटी की किताब के बेस पर है, एनआईओएस की किताब के बेस पर है, तो उन्होंने इसका आंसर दो माना है और आयोग ने भी फाइनल इसका आंसर दो माना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप टिप्पण के बारे में देख सकते हैं कि टिप्पण क्या होता है, टिप्पण के जो दो प्रकार है वो कौन कौन से हैं और उनकी परिभाषा क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंफ्यूज हो जाता है कि जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे टिप्पण सामान्य से देखिए कि दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यहाँ पे नेमी टिप्पण। क्या होता है? नेमी टिप्पण। और जो दूसरा जो प्रकार है दोस्तों वह है अन्य नियमित टिप्पण। तो टिप्पण के दो प्रकार हो गए, टिप्पण की परिभाषा आप ऊपर पढ़ लेना। और यहाँ पे देख लीजिए कि अंतर्विभागीय टिप्पण और अंतर्विभागीय टिप्पण, इसके भी दो प्रकार हो गए। फिर यहाँ पे इसके भी दो प्रकार होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार यानी इन सभी के होते हैं। तो मुख्यतः दो प्रकार हो गए। और नियमित टिप्पण की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या है कि जो सामयिक और रोजमर्रा की जो टिप्पण को उसे हम क्या कहते हैं? नियमित टिप्पण कहते हैं। इसके अंतर्गत ये प्रमुख भाग होते हैं। और यहीं पर अगर आपको पूछा जाए कि अंतर्विभागीय और अंतर्विभागीय, तो इन दोनों का अर्थ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतर्विभागीय किसे कहते हैं और अंतर्विभागीय किसे कहते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आप इसे डिटेल से पढ़ लेना, इनके बारे में आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है सात और इसका आंसर आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सात है और पूछा है कि निम्नलिखित में से अर्क पर्यायवाची शब्द है। अर्क किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह तो सरल क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर जो बी है, सूर्य। बिल्कुल सही शब्द है। तो देखिए यहाँ पे सूर्य के और भी क्या क्या है, जैसे सविता कहते हैं, भानु हो गया, दिवाकर हो गया, अर्क हो गया, इसके अलावा अंक भी कहते हैं, इसके अलावा सहस्त्रकर, भास्कर, भाष्पति, मार्तंड, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे आठ है कि खूंटी बल बछड़ा कूदे मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है खूंटी के बल बछड़ा कूदे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, खूंटी के बल बछड़ा कूदे का मतलब ये होता है कि दूसरे की पावर पर क्या करना? घमंड करना। तो इसका मतलब यह ऑप्शन नंबर जो सी है, दूसरे के बल पर कार्य करना, जैसे कि हमारे चाचा विधायक है, उसी के आगे अपने रोप झाड़ना। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, उनके लिए एक पद होता है मुहावरे के रूप में कि खूंटी के बल बछड़ा कूदे। तो क्वेश्चन नंबर आठ ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे सूर्य के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो वो हमने आपको डिस्कस कराया था, वहीं पे ऑप्शन में था चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। तो ये क्लास हमने दोस्तों आपको करवाई थी, आई होप आपने देखी होगी। तो यहाँ पे आप चांद के जो पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, इन्हें जरूर याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चांद के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है आप इसे देख सकते हैं दोस्तों, यानी अगर बात करें कलानाथ हो गया, इसके अलावा विधु हो गया, रजनीश हो गया, राकेश, मयंक, सुधांशु, निशाकर, ये चांद के पर्यायवाची शब्द है। और बाकी इसके अलावा आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं, चंचरिक, मिलिंद, ये भौरे के होते हैं। कुंतक की बात करें तो बाल, केश, चिकुर और चूर होते हैं। और यहाँ पे बाकी जो कामनी वगैरह है आप यहाँ पे देख सकते हैं। भागनी मत करना, ये तो किसका होता है? ये तो बहन का होता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नौ पूछा है दोस्तों कि यह आदमी विश्वासी है, वाक्य में यह क्या है। तो देखिए, संख्या तो बिल्कुल नहीं है, परिमाण भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, गुण भी नहीं है, तो निश्चित ही यह क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। यह आदमी विश्वासी है, यह किस प्रकार का है? यह सार्वनामिक विशेषण है। महोदैर्य में संधि क्या है? तो महोदैर्य में क्या संधि होगी? तो देखिए दोस्तों, अगर महोदैर्य की बात करें तो यह इस प्रकार बनता है, महाधन, महाधन, ध्यान रखना दोस्तों, अगर महाधन बात करें, औदार्य, महाधन, औदार्य, यानी ये इसका शब्द होता है संधि विच्छेद का। यानी अगर आप इसका देखें तो यहाँ पे आप क्या बना? बड़ी आ की मात्रा बना, और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे बना ओ की मात्रा, यानी बड़ी ओ की मात्रा, और दोनों मिलकर क्या बना? बड़ा ओ बना।
तो जहां पर भी इस प्रकार बने, बड़ा ओ बने, तो वहां पे क्या होती है, वृद्धि होती है। तो वृद्धि जो संधि होगी दोस्तों वह बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है यह बिल्कुल सही है। महोदय में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यह हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है। तो देखिए भाववाचक की बात करते हैं, भाववाचक में प्रत्यय क्या है, देखिए मीठा नहीं होता, मीठा का मिठास होगा, रसीला का रसीलापन होगा, है ना। तो कहार तो एक जो संज्ञावाचक है उस प्रकार का शब्द आ गया। गर्मी बिल्कुल सही शब्द है, गर्म जो शब्द होता है वो मूल शब्द होता है और बड़ी एक की मात्रा लगाने पर गर्मी एक भाव में बदल गया है, तो भाववाचक प्रत्यय गर्मी इसका सही आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 शुद्ध शब्द, तो यह भी बार बार यूपीएससी पूछता है, तो शुद्ध शब्द पर भी ध्यान देना दोस्तों, ज्यादा नहीं है, शुद्ध शब्द आपको केवल लगभग 50 से लेकर 60 तक करने हैं, 50 से लेकर 60 सबसे जो महत्वपूर्ण जो शुद्ध शब्द है केवल उन्हें रट लीजिए, वही बार बार पूछे जाते हैं, और उनमें से एक सिंगार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिंगार दोस्तों किस प्रकार लिखा जाता है, केवल एक मात्रा, यानी यहाँ पे एक मात्रा आएगी और इस प्रकार इसे सिंगार को लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों में अल्पप्राण का वर्ण है। तो देखिए यहाँ पे आपको पूछा है अल्पप्राण, और ध्यान रखना दोस्तों जो अल्पप्राण, जो महाप्राण, घोष, अघोष, सघोष वगैरह जो भी शब्द हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिह्वा के प्रकार पर, है ना, संवृत्त, विवृत्त, अवृत्त, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें हम भी करवाएंगे, जल्दी कराएंगे, और आपको भी इन्हें करना है, एक नंबर दिला के जाएगा। तो अल्पप्राण पूछा है, अल्पप्राण में क्या होता है, देखिए अल्पप्राण में होता है पहला होता है, तीसरा होता है, और पांचवा अक्षर होता है। तो प्रथम, तृतीय और पांचवा ये आते हैं अल्पप्राण में, और दूसरा और चौथे की बात करें तो वो आते हैं महाप्राण में। इसके अलावा या, रा, लावा ये किस में आएंगे, अल्पप्राण में, और इसके अलावा जो शा, शा, शा ये हाव आपको दिखाई दे रहा है ये महाप्राण में आएंगे। तो यह शब्द दोस्तों अल्पप्राण महाप्राण बार बार पूछे जाते हैं, तो पहला, तीसरा, पांचवा, और दूसरा और चौथा, तो ये आगे महाप्राण में और ये आगे किसमें, अल्पप्राण के अंतर्गत। अल्प यानी जिन जो वर्ण है उनके उच्चारण में कम हवा की आवश्यकता होती है, कम प्राण की आवश्यकता होती है, तो उसे अल्पप्राण कहते हैं, और जहां पे ज्यादा आवश्यकता होती है हवा की मात्रा की उसे महाप्राण कहते हैं। तो यहां तक ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 आपको पूछा है कि वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य या एक से अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होता है। तो आश्रित कहां पे होता है, जब आश्रित लिख दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल आश्रित होता है मिश्र वाक्य में, जब कोई वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, विसर्ग का प्रयोग होता है, तो कहां पे होता है विसर्ग का प्रयोग, बताइए जरा दोस्तों। तो जी हां दोस्तों, विसर्ग का जो प्रयोग होता है ये होता है तत्सम शब्द में, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, और इस क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे कि यही सच है किसकी कीर्ति है। तो देखिए यही सच है जो कीर्ति है दोस्तों वह है मन्नू भंडारी जी की। ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही है। तो एक या दो क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं आपको जो साहित्य वाला पोर्शन है वहां से मिलते हैं, कहीं पर 3 भी मिल जाते हैं, कहीं पर 4 भी मिल जाते हैं, तो आपको इन्हें याद करना है। तो यही सच किसकी कीर्ति है, मन्नू भंडारी जी की है। अब जरा मन्नू भंडारी जी के बारे में देख लीजिए कि मन्नू भंडारी जी का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था, 3 अप्रैल 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 3 अप्रैल 1931 को मन्नू भंडारी जी का जन्म हुआ था, और 15 नवंबर 2021 को, 15 नवंबर 2021 को मन्नू भंडारी जी का निधन हुआ था। तो करंट अफेयर का भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, मन्नू भंडारी जी की बात कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि इनका जन्म भानपुरा गांव जिला मंदसौर में हुआ था, बचपन का नाम इनका महेंद्र कुमारी था, और इनकी जो कहानी उपन्यास है जो काफी प्रसिद्ध है आगे भी डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पे है, एक प्लेट सैलाब में हार गई, 3 निगाहों की 1 तस्वीर, आंखों देखा झूठ, और यही सच है जो अभी आपको यूपीएससी ग्राम विकास अधिकारी में पूछा था। इसके अलावा आपका बंटी उपन्यास बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, 1 इंच मुस्कान यह भी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, और एक दोस्तों यहाँ पे नाटक है बिना दीवारों का घर, यह तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो सभी रचनाएं मन्नू भंडारी जी की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, और दोस्तों जो यहाँ पे यही सच है ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम क्या था, रजनीगंधा। तो इसलिए यूपीएससी ने पूछ भी लिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। अब जरा यहाँ पे देख लीजिए उपन्यास की बात करते हैं, तो उपन्यास मिलेगा महाभोज, इसके अलावा मिलेगा आपको स्वामी, और एक और मिलेगा दोस्तों आपको आपका बंटी, और एक और लास्ट आपको ध्यान रखना है 1 इंच मुस्कान। तो 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी, महाभोज और स्वामी, ये सभी किसके उपन्यास है, मन्नू भंडारी जी के हैं। और आपका बंटी की बात करें तो 1971 और महाभोज की बात करें तो 1982, ये दोनों ज्यादा ही प्रसिद्ध है। अब दोस्तों थोड़ा यहाँ पे टफ लेवल के लिए भी तैयार रहिए। देखिए टफ लेवल में क्या प्रश्न बनेंगे, टफ लेवल में जो आपका बंटी जो उपन्यास है ना उसके आपको पात्र पूछेंगे कि उनके पात्र कौन कौन से हैं। तो देखिए आपके बंटी की बात करें तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि उनकी माता का नाम क्या था, शकुन माता का नाम था, पिता का नाम यहाँ पे क्या था, अजय था,
और डॉक्टर जोशी वगैरह आप यहाँ पे और भी जो पात्र है इसे डिटेल्स आप पढ़ लेना। तो देखिए दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट नाम काफी ध्यान रखने हैं, एक है शकुन और एक है अजय। अजय पिता का नाम था, शकुन क्या था, उसकी माता का नाम था। तो इस उपन्यास काफी प्रसिद्ध है, तो ये आपको देखना ही देखना है। फिर बात करते हैं कहानी की। तो मनु भंडारी जी की कहानी की बात करें तो एक प्लेट सैलाब हो गया, मैं हार गई और तीन निगाहों की एक तस्वीर। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई और तीन निगाहों की एक तस्वीर। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि यही सच्चे जो यूकेएससी ने आपको पूछा है, रजनीगंधा इस पर बनी थी, त्रिशंकु वगैरह और आंखों देखा जोड़। ये सभी कहानियां हैं मनु भंडारी जी की। नाटक की बात करें जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वह है बिना दीवारों के घर। बिना दीवारों के घर, तो बिना दीवारों के घर नाटक है मनु भंडारी जी का। और यहीं पर आत्मकथा की बात करें तो एक कहानी यह भी और इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों कि यह किसमें है, यह एनसीईआरटी सिलेबस में है। एनसीईआरटी सिलेबस में है आत्मकथा, किसकी है, मनु भंडारी जी की है। क्या है इसका नाम, आत्मकथा का नाम क्या है, एक कहानी यह भी। तो मनु भंडारी जी की रचना है एक कहानी यह भी, और इसी रचना के लिए 2008 में व्यास सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। और बाकी आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है मनु भंडारी जी के बारे में। अब बात करते हैं यहां पे अगला क्वेश्चन है 17वां कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली मां। तो क्या कहते हैं वीर पुत्र को जन्म देने वाली मां, यहां दोस्तों प्रसु यानी जन्म देना, तो वीर प्रसु बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और यहां पे 18वां क्वेश्चन है पशु शब्द का विशेषण। तो पशु का होता है पार्श्विक, क्या होता है पार्श्विक, तो पार्श्विक यहां पे यह होता है यानी यह सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 19 और इसका आंसर बताना है कि वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास। तो देखिए दोस्तों, वृक्ष का वर्ण विन्यास और वर्ण विन्यास यूकेएससी पिछले 3-4 एग्जामों में आपको बार बार पूछ रहा है, तो वर्ण विन्यास आपको आना चाहिए। तो वृक्ष की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर वृक्ष की बात करें तो कुछ इस प्रकार होगा, जैसे वृक्ष हमने यहाँ पे ये लिख दिया। तो देखिए, सबसे पहले आप वृक्ष को तोड़ो तो सबसे पहले तो आधा वा आएगा, ये आ गया वा। फिर आपको जो ये दिखाई दे रहा है ये है री, तो यानी प्लस, यानी यहाँ पे क्या आ गया, री की मात्रा आ गई है ना। फिर आप यहाँ पे आ जाएगी छा को, छा किससे मिलकर बनता है, छा मिलता है दोस्तों एक तो बनता है आधा का से यानी का, फिर यहाँ पे षटकोण वाली शा, और फिर इसे हमने क्या कर दिया, आ की यानी आ के वो लगा दिया मात्रा और इसे कंप्लीट कर दिया। तो यानी क्या हो गया, वृक्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही शब्द है। तो देखिए दोस्तों, दोबारा देखिए, सबसे पहले तो हमने आधा तोड़ा, यानी वृक्ष की बात करें, एक एक शब्द को तोड़ो, वृक्ष वृक्ष पहले आधा हुआ, फिर यहाँ पे जो री दिखाई दे रहा है यानी री की मात्रा, हमने यहाँ पे री की मात्रा लगा दिया। फिर यहाँ पे जो छा आपको शब्द दिखाई दे रहा है इसे आपको अलग से तोड़ना है। तो छा को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ेगा, एक तो सबसे पहले का बनेगा, का से बनता है ना छा। अगर छा की बात करें दोस्तों, तो छा कैसे बनता है, छा बनता है का धन शाह से, यानी ऐसे बनता है का धन शाह से, तो सेम यहीं पर है, तो का धन शाह ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया काशा। तो बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर बी है कि हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व, तो इसका सही क्या होगा, हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व। तो इसका सही आंसर की बात करें दोस्तों, तो यह आपको मिलेगा अलंकार। अलंकार हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, योग्यता होनी चाहिए, सही शब्द होने चाहिए। इसके अलावा की बात करें, सार्थकता बिल्कुल है, पदक्रम भी बिल्कुल सही होना चाहिए। अलंकार जरूरी नहीं है, अलंकार तो वहाँ पे जरूरत पड़ती है जहाँ पे हमें कोई सौंदर्य करना है, जैसे कविता से संबंधित लिखनी है ना, कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास लिखने हैं, तो वहाँ पे अलंकार की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये आवश्यक तथ्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही है। तो यहाँ तक दोस्तों, यह थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत हेल्प आपको करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको कुछ समय बाद जल्दी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।